स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स वेलकम बैक। इट्स अ न्यू वीडियो। यहाँ पे एक फ्रेज है जो आप और हम यूज करते हैं, व्रत रखना या व्रत रख लो। क्या आप व्रत रखते हो? व्रत यानी कि उपवास। क्या आप उपवास करते हो? हाँ, मैं उपवास करता हूँ। मैं हर मंगलवार को उपवास करता हूँ या रखता हूँ। व्रत करना या व्रत रखना या उपवास करना या उपवास रखना। तो मैं उपवास रखता हूँ, हर मंगलवार को मैं उपवास रखता हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो ऑब्जर्व फास्ट, इसको बोलते हैं टू ऑब्जर्व फास्ट। अब आपको पता चल गया, एंड यू मे यूज दैट वर्ड और फ्रेज इन एनी टेंस, मीनिंग past tense, future tense, present tense। जैसे मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? I observe fast on every Tuesday। I observe fast on every Tuesday। I observe fast yesterday। It was Shivratri। तो मैंने शिवरात्रि कल थी, तो मैंने फास्ट उपवास रखा था या उपवास किया था। तो आई ऑब्जर्व फास्ट यस्टरडे एज इट वॉज शिवरात्रि। तो इस तरीके से आप पास्ट में या फ्यूचर में बना सकते हैं। जैसे यू विल ऑब्जर्व फास्ट नेक्स्ट वीक। या डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है, यू मस्ट ऑब्जर्व फास्ट वंस अ वीक टू मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन योर हेल्थ और टू कीप योर डाइजेशन फिट एंड हेल्दी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपल है, आसान है, किसी भी टेंस में बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो इफ यू थिंक इट्स अ गुड वीडियो फॉर यू एंड फॉर अदर्स टू, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। एंड इफ यू थिंक यू वांट टू हैव माय पर्सनल गाइडेंस, यू वांट टू हैव online classes with me through Skype, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, बात करिए, अगर आपको अच्छा लगे। You may resume my classes online, otherwise you may keep watching my videos to learn English. Thanks for watching. Thank you.